Happy Holi! Yoo-hoo! Hi everyone! Namaskar, Salaam, Sat Sri Akaal! Welcome back to the Ipsolin One channel! Kaise hain aap sab? Comment karke mujhe zarur batana aur aap sabhi ko Happy Holi! Kaisi ja rahi hai taiyariyan? Comment kar do! Comment kar do! Aap hi video kahi hui! Bahut jaldi comment karke batana! Main bas hi nahi hua हस्बैंड को साथ लेके बैठो ना रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो बीच बीच में जो है ना वो एक्सपर्ट रिव्यू आ जाते हैं। कल को करना कमेंट जब जाएगी ये वीडियो। तो कैसी गई आपकी होली? क्योंकि ये वीडियो जब तक जाएगी तब तक होली का दहन जा चुका। हमारे यहाँ होली बोलते हैं जिस दिन होली का दहन, दैट इज होली। नेक्स्ट डे जिस दिन रंग वाली होती है, दैट इज धुलहंडी। धुलहंडी है ना, नेक्स्ट डे धुलहंडी। फाग भी बोलते हैं हमारे यहाँ, फाग भी है के उस दिन कलर से खेली जाती है। बट इस बार सब जगह का ऐसा ही हो रहा है खेलने वेलने का, क्योंकि वायरस नहीं, वेदर भी ठीक नहीं है ना इस बार। वेदर भी तूफान बहुत है। अरे यार, गेहूं की फसल बड़ी बर्बाद होगी हमारी तरफ तो। जहाँ भी फोन करो ना रिश्तेदारी में, एवरीवन इज सो सैड। तो किसानों की हालत बड़ी बुरी होगी बेचारे, किस्मत के मारे। आई नो, लाइक इतनी ज्यादा इनकम भी नहीं होती किसान की, और मुझे लगता है नेचर भी सबसे ज्यादा इन्हीं के अगेंस्ट जाके काम होते हैं। तो गेहूं ना बिल्कुल ऐसे लेट गए सारे तूफान में, बारिश में। चलो खाने के लाले पड़ेंगे, क्या कर सकते। हाँ, एट द एंड फेस तो सबको ही करना पड़ेगा ना। अगर गेहूं की फसल सही नहीं होगी तो वो तो सभी जगह दिक्कत तो होगी। बट भाई देखो क्या होगा। चलिए, तो क्या क्या बनाया आप लोगों ने होली पे? अभी फिलहाल जो है वो लंच टाइम है, और लंच में नॉर्मल दाल चावल हम लोग खा रहे हैं। शाम को बनाऊंगी मैं जो प्रॉपर खाना बनता है होली का। और अभी जो है मैंने दाल भिगो के रखी हुई है, दही बड़े चाट वाले। मोस्टली मैं हमेशा जो है ना वो बेसन वाले बना देती हूँ, फटाफट वाले। बट आज ट्रेडिशनल अच्छे तरीके से बनाए जाएंगे, तो आज मैं वो बनाऊंगी, वो रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपको अपनी साड़ी दिखा देती हूँ, है ना। बड़ा टाइम लगा भाई पहनने में से। कहाँ लिया टाइम मैंने? मैं वेट कर रहा हूँ, देख रहा था 45 मिनट 50 मिनट और लगभग 1 घंटा टोटल रेडी होने में। आई टुक टाइम। हाँ, टोटल रेडी होने में टाइम लगता है ना भाई, सारे काम करने थे मैंने। लाइक बैंगल अंदर से निकाले, नेल पेंट लगाया, और लिपस्टिक जो है वो डबल वाली लगाई, आईलाइनर लगाया, बाल स्ट्रेट किए, साड़ी पहनी। तो 45 मिनट ज्यादा है टाइम था। आज अदवी सुबह चली गई स्कूल, बेचारी हो त्योहार के दिन, उसका भी स्कूल है, वो आ जाएगी जल्दी। उसका स्कूल है ही आज घर पे है, क्योंकि शाम को इनका अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास। लोग पूछ रहे थे कि कमर में आराम है क्या, तो दर्द में तो आराम है। आप बताओ? थोड़ा थोड़ा दर्द में तो आराम है, बट वो लंप उतना का उतना ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जो कर दो तो निकलवाना ही पड़ेगा। तो देखो आज अपॉइंटमेंट है, आज पता लगेगा कि फाइनली क्या होना है। आजकल अपॉइंटमेंट मिलने में तो मुश्किल हो रहा है ना। हाँ, वायरस की वजह से ना वैसे ज्यादा है। हाँ, सारे जीपी फुल है। और पता, सुपरमार्केट्स में ऐसी हाय हाय हुई भी है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा लोग इतना क्यों स्टॉक करके रख रहे हैं। सीरियसली, किसी आइल में टॉयलेट रोल नहीं है। मैं तो उस दिन कॉस्को गई तो नेचुरली मैं उठा के ले आई। आई वाज नॉट लाइक अवेयर कि लोग इस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं। पानी की बोतल नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, हैंड सोप जितनी भी है कहीं नहीं है। और अगर ऑनलाइन देखो ना, अमेजोन वगैरह पे जो एक एक दो दो पाउंड के हैंड सैनिटाइजर थे ना, पंद्रह पाउंड के बिक रहे हैं। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, जिन्हें कोई खरीदता भी नहीं था। तो पता नहीं, मतलब लोगों ने इतना स्टॉक कर लिया। पर टॉयलेट रोल का मुझे अब तक समझ नहीं आया कि उनका क्यों इतना स्टॉक। वो नेसेसरी है ना यार, बहुत दैट्स नेसेसिटी है कि वो बहुत जरूरी है। लॉन्ग लाइफ चीजें जैसे होती है ना, ये दूध वगैरह जूस, वो सब लोगों ने स्टॉक करके रख लिया। बड़ी बुरी हालत है सुपरमार्केट। अरे वो इंडिया के जो इंडियन पैक्ड मसाले आते हैं ना, वो तो नहीं छोड़े। बताओ, बहुत बहुत ज्यादा, और सारी चीज एक्सपेंसिव हो रही है। आपकी तरफ भी ऐसा हो रहा है क्या? प्लीज जरूर बताना। एक चीज नहीं पता मुझे, क्या लिक्विड क्या दारू बहुत रखी है वो तो भरा पड़ा है। बाकी पानी, टॉयलेट रोल, किचन रोल, और जो लॉन्ग लाइफ है पास्ता है, और हाँ खाने वाने की बहुत सी चीज़, पास्ता सॉस है, वो
खत्म कर दी, क्योंकि सभी को ये डर है ना कि बाई चांस अगर 2-3 हफ्ते को भी लॉकडाउन हुआ ना सब जगह के, चलो क्लीनिंग प्रोसेस की वजह से सब कुछ लॉकडाउन कर रहे हैं, तो लोगों ने अपना स्टॉक कर लिया, तो लॉकडाउन सिटी के तो करेंगे ना, सिटी से बाहर नहीं जाओगे। मैं गई हूं सिर्फ सामान लेने के लिए, मैं तो सब्जी ले आई, मुश्किल से एक हफ्ता चलेंगे, हम तो ले लाए कुछ दाल है हमारे पास, दाल चावल, दाल चावल पर हाँ दाल चावल आटा ये सारी बहुत है, ये सब है तो काम चल रहा है। चलो तो पहले मेरी साड़ी देखो, ये साड़ी वो वाली है जो मम्मी ने दिवाली पे भेजी थी ना, एक येलो भेजी थी और एक वो ये वाली, तो ये वाली साड़ी आज मैंने पहनी है, और फिर चलते हैं दही बड़े बनाते हैं। चलो मुझे नींद आ रही है, आप सो जाओ, इतने में तैयार करो, आराम करो, ठीक है, बहुत काम कर लिया इन्होंने, काम कर लिया। खाना वगैरह सब कुछ हमारा हो गया है, और ये है दही बड़े के लिए, दही बड़े या दही भल्ले जो भी आप बोलना चाहें उसके लिए दाल, और इसमें मैंने मूंग की दाल और उड़द की दाल, माश की दाल जो होती है, ये दो दाल ली हैं, दो पार्ट इसमें मूंग की दाल है और एक पार्ट इसमें उड़द की दाल है, तो आप जितनी चाहें उतनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर जो रेशियो है वो 1:2 की रहेगी, कि जो उड़द की दाल होगी वो एक पार्ट रहेगी और जो मूंग की दाल है बिना छिलके वाली वो दो पार्ट होगी, और कितना बस मैंने इसको मुश्किल से 3 घंटे के लिए भिगोया है, तो मैंने इसको 11 बजे के करीब भिगोया था और अभी 2 बज रहे हैं, इतना ही सफिशेंट है, ज़रूरी नहीं कि आपको ओवरनाइट इसको सोक करना है, बस ये हो जाती हैं, तो अब मैं इसको पीस लेती हूँ फटाफट, और कोशिश करें कि इसमें जो है आप पानी ना डालें ज़्यादा, बट इन केस क्योंकि कई बार होता है ना कि मिक्सी चलती ही नहीं है चलती ही नहीं है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत पानी डालना पड़े तो आप डाल सकते हैं, और फिर मैं उसकी एक टिप बताऊंगी कि फिर आप कंसिस्टेंसी कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले दाल को जो है वो पीस लेती हूँ और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो दाल मैंने यहाँ पे सारी पीस ली है और इस तरह का इसका टेक्सचर है जो कि परफेक्ट है, लाइक स्मूथ पीसी हुई होनी चाहिए और इतनी थिक होनी चाहिए। तो जो पहली टिप है वो ये कि जब दाल आपकी भीग जाए उसका जब आप पानी गिराएं तो आप उतना पानी रख सकते हैं जितनी आपकी दाल है, लाइक उतने लेवल तक, जितना भी एक्स्ट्रा उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट आपको पानी दिखाई दे रहा है आप वो सारा पानी निकाल दें, लेकिन जितनी दाल है उस लेवल तक का जो पानी है उतना आप रख सकते हैं, उसके साथ आपकी दाल अच्छे से पिस भी जाती है और बिल्कुल यही वाला टेक्सचर आता है। मैंने उतना ही पानी रखा है और ये अच्छे से पिस गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई और स्मूथ रही है। दूसरा, अगर फिर भी जो है वो प्रॉब्लम आए और आपको लगे कि ये पतला है आपका बैटर, ऐसा नहीं है उसकी कंसिस्टेंसी, तो आप उसमें 1-2 टेबल स्पून जो है वो बेसन का ऐड कर दें, तो उससे टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है और कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बेसन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, अब जो मेन काम इसका आता है दही बड़े का, जिससे वो सॉफ्ट बनते हैं, बहुत स्पॉन्जी बनते हैं, वो है इसको फेटना, फैटना या फिर मथना, इसको मथा जाता है,
तो कुछ लोग तो जो है वो हाथ से मथते हैं इसको, कुछ लोग क्या मोस्टली लोग इसको हाथ से ही मथते हैं। मेरी भाभी जो बनाती है ना वो बहुत अच्छे बनाती हैं, तो वो भी इसी तरह से ना हाथ से परात में डाल के, जो बड़े वाली होती है, और हाथ से बहुत देर तक मथती रहती हैं, और इसका वो टेस्ट करके देखते हैं कि जब ये पानी में ड्रॉप डालें तो वो तैरनी चाहिए, तो इसका मतलब ये अच्छे से आपने फेंट ली है। मैं क्या करती हूँ, आई यूज दिस, इतना ज़्यादा मेरे हाथ में एनर्जी नहीं होती है तो मैं हमेशा जो है वो इसका यूज़ करती हूँ, तो इससे मैं इसको बीट करती हूँ। विस्कर आता है जैसे केक की क्रीम वगैरह करते हैं ना, तो वो होता है ये, और लाइक सबको पता होगा, कुछ ऐसी नई चीज़ नहीं है, तो मैं तो इसे विस्क करती हूँ। विद इन 2 मिनट जो है वो मेरा बैटर तैयार हो जाता है, और उसके बाद हल्का सा सॉल्ट डाल के मैं इसको तल लेती हूँ। तो चलिए मैं इसे फटाफट इसको बीट करती हूँ और इसके बाद इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो आई होप मेरी जो टिप है वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट आई होप कि शायद किसी के काम आए। और बेसन वाले दही बड़े जो हैं वो अपनी जगह बहुत टेस्टी हैं, ये तो मैं अभी से इमेजिन कर पा रही हूँ कि कितने टेस्टी बनने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इनको मत लेते, और मैं फटाफट कितनी बार बोलती हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दाल जो है वो मैंने फेंट ली, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है ना वाइट सी हो जाती है, जिस टाइम आप पीसते हैं तो ये पेल सी रहती है, येलो, बिल्कुल येलो कलर की, लेकिन जैसे जैसे आप इसको फेंटना शुरू करते हैं ना बहुत लाइट होती जाती है, और इसका कलर जो है ना वो भी लाइट हो जाता है। तो ये ऐसी ही हो गई है, बिल्कुल चिकनी हो रही है, और हार्डली लाइक 2 से 3 मिनट लगते हैं उस मशीन में। ऑयल मैंने निकाल लिया, अभी मैं गैस ऑन कर दूंगी, उसके बाद उतारूंगी। दाल फेंटने के बाद लाइक इट्स स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस टू मेक परफेक्ट दही बड़ा। तो दाल को इस तरह से मथने के बाद आपको इसको छोड़ना नहीं है, आपको तुरंत इसके जो दही बड़े हैं वो फ्राई कर लेने हैं, बड़े इसके फ्राई कर लेने। अगर आप इसको मथ के छोड़ देंगे कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद इसको तलेंगे, तो इसके जितने भी एयर बबल हैं वो सब निकल जाएंगे, और आपके जो बड़े हैं वो फिर से फ्लैट हो जाएंगे, वो फूले फूले नहीं बनेंगे। तो दाल को आपको बहुत ज़्यादा भिगोकर नहीं रखना है, पीसते ही उसको मथ लेना है, और मथते ही उसको फ्राई कर लेना है, तो ये परफेक्ट होता है। और फ्राई करने के बाद आप फिर इसको स्टोर करके रख सकते हैं, लाइक फ्रीज भी कर सकते हैं, जब बड़े ठंडे हो जाएं तो आप फ्रीज कर सकते हैं। आप लाइक आपको अगर क्राउड के लिए बनाना है, आपके घर में गेट टुगेदर है, तो आप पहले दिन फ्राई करके रख लें, और इनको जो कद्दू फ्राई करने के बाद जब ये ठंडे हो जाए इनको आप अपने फ्रिज में रख दें, और जब आपको इनके दही बड़े बनाने हो तो इनको फ्रिज में से निकालें, गर्म पानी में डालें, स्क्वीज करें, और फिर दही चटनी जो भी चीज़ें आप डालते हैं वो डाल के इनको गर्मा गर्म आप जो है वो सर्व कर दें। तो ये आप पहले भी बना के रख सकते हैं, बट ये वाला जो सारा प्रोसेस है तलने तक का, ये आपको सारा एक साथ करना है। तो देखा सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं आज, बिल्कुल एक्यूरेट, और आपके परफेक्ट बनेंगे, आई बेट कि बहुत अच्छे बनेंगे। और आज आपने मुझे बहुत दिनों बाद देखा होगा एप्रिन पहने हुए, वही साड़ी है ना, साड़ी मैं धो नहीं सकती हूँ यहाँ पे अच्छे से, सूट वगैरह तो सब मैं हाथ से धो देती हूँ, यहाँ पे हाथ से धो के धूप में डाल देती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, बट साड़ी का डर लगता है कि ख़राब हो जाएगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एप्रिन पहनना ज़रूरी है, अदरवाइज आई डोंट वियर, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो चलिए कभी बात करते करते मेरे खुद के जो दही बड़ों का जो बैटर है कहीं उसी की एयर ना निकल जाए, और मैं आपको यहाँ पर टिप्स देती रह जाऊँ और मेरे खुद के फ्लैट बन जाए। तो मैं फटाफट गैस करती हूँ ऑन, और दही बड़े तलना शुरू करते हैं।
तो अभी शाम का सारा काम जो है मेरा वो निपट गया है और खाने की तैयारी होगी, पक्का खाना बनता है तो अभी खाना बनाएंगे। बेटा मम्मा के बाल, आउच। तो जब शाम का खाना बनेगा तो फिर वो दिखाऊंगी आपको कि क्या बनने वाला है। और इधर जो है The grand opening. Grand opening. कौन आ गया इधर? Pops. We said umbrella. Permission umbrella. तो कुछ सामान खत्म हो रहा था, बारिश में गए हैं बाहर, अभी आए हैं, ज्यादा तेज होगी। ये तो क्या है? बेटा दूध है, ब्रेड है, नॉर्मल चीजें जो है वो। तो चलिए मैं ये सामान जो है ये लगा देती हूँ, उसके बाद फिर खाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, और ना बहू बहू वाली फीलिंग आती है जब साड़ी पहन के काम करते हैं ना, नहीं तो डेली तो ऐसे ही रहो तो ये पहन के आज ही लाइक है ना, बहू वाली फीलिंग। गांव में होते आज सुबह दिए जलाने के लिए जाते हैं देवताओं पे, किसी किसे पता है देवताओं पे जोत जलाने जाना, दिए जलाने जाना। जो यूपी से होंगे, वेस्टर्न यूपी से, उनको पता होगा। यही साड़ी गिल्ली कर दी मेरी। चलिए खाने की तैयारी करते हैं, सामान लगाते हैं। फिर तो चलिए खाना बनाना शुरू करते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे मदर इन लॉ के स्टाइल में आलू गोभी की सब्जी, जो कि प्रेशर कुकर में बनने वाली है, बहुत क्विक है। इसके लिए मैंने ऑयल डाला है प्रेशर कुकर में, और ऑयल गर्म होते ही उसमें मैंने पिंच ऑफ हींग और एक चम्मच जीरा डाल दिया है, और इनको अच्छे से हम क्रैकल होने देंगे। इसके बाद फाइनली चॉप किया हुआ यहाँ पर मैंने ऐड किया है प्याज, और उसके साथ 2-3 कलियाँ मैंने गार्लिक की ले ली हैं, और इनको हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। इसके बाद नॉर्मल मसाले, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा थोड़ा ये डाल देना है। हल्का सा सॉटे करने के बाद इसके अंदर हम 2 टमाटोज ऐड कर देंगे जो मैंने थिनली स्लाइस कर लिए थे, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएं, और सॉल्ट भी टेस्ट के हिसाब से इसी टाइम पर ऐड कर देंगे। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से चला देंगे, और जब तक टमाटर बिल्कुल अच्छे से ना गल जाएं तब तक हम इसको पकने देंगे। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि बबल्स आने लगे हैं ऊपर, और जो टमाटर हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे से मशी हो गए हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की प्योरे वगैरह यूज़ नहीं करनी है, आपको इसी तरह से यूज़ करना है। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ थे यहाँ पर जो मैंने काट लिए थे लेंथ वाइज, और साथ ही एक बड़ा सा गोभी का फूल था, आराम से आधा किलो के करीब का तो होगा, उसके मैंने फ्लोरेट्स काट लिए थे और अच्छे से वॉश करके पहले ही रख लिया था। 2 ग्रीन चिली जो है वो मैंने स्लिट करके इसमें डाल दी हैं, और कुकर जो है वो कुछ ज़्यादा ही भर गया था, बट ये है कि हल्की सी इसके अंदर जैसे ही स्टीम बनेगी ये सारी चीज़ें नीचे चली जाएंगी, तो बस मैंने इसको हल्का सा ही यहाँ पर कर दिया है मिक्स, और मैंने इसको लिड लगा दिया है, और उसको आपको बस बिल्कुल लाइक हल्की सी सीटी जैसे आने को होती है ना, बस तब तक पकाना है, और फिर गैस ऑफ कर देनी है, वो स्टीम में पक जाएगा। तो जब तक सब्जी उधर पक रही है, इधर मैं सूजी की खीर बना के तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने घी लिया है यहाँ पर, और साथ ही मैंने उसमें डाल दी है सूजी। तो जितना घी चाहिए उतनी ही सूजी चाहिए, तो बराबर क्वांटिटी लेनी है। मैंने दोनों चीज़ें जो हैं 1/4 कप 1/4 कप ली हैं, तो 1/1/4 कप मैंने यहाँ पर सूजी ली है, और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पर घी लिया है। तो सूजी को हमें बिल्कुल अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आ जाए उसके अंदर से, और उसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। तो यहाँ पर सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है। इसके बाद मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है, तकरीबन मैंने 0.5 लीटर के करीब इसमें दूध डाला होगा। आप चाहें तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितनी थिक और कितनी थिन चाहिएगी। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि बिना उबला हुआ जो कच्चा दूध होता है ना, जिसके अंदर ऑलरेडी फैट होता है, लाइक आप उबाल के रख देते हैं मलाई उसके ऊपर से उतर जाती है, तो अगर आप वो वाला दूध यूज़ करेंगे तो ये इतनी क्रीमी नहीं बनेगी, तो इसीलिए वो वाला दूध करें। मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो दूध है उसके ऊपर मलाई आती ही नहीं है, और जो है वो इसी तरह का लाइक पतला होता है यहाँ का दूध। तो मैंने जो नॉर्मल दूध होता है उसमें इसको पका लिया है, टेस्ट के हिसाब से मैंने अब इसमें शुगर ऐड कर दी है। शुगर की कोई मेजरमेंट नहीं बताऊंगी, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, कितनी जितनी भी आपके टेस्ट के हिसाब से हो उतनी। इसके बाद ये है एक्स्ट्रा थिक क्रीम,
तो यहाँ पर इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कच्चा दूध यूज़ करेंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास भैंस का कच्चा दूध है तो ये स्टेप आप कम्प्लीटली स्किप कर दें। लेकिन जो यूके में रहने वाले लोग हैं और जिनको ये हो कि हाँ बिल्कुल वही टेस्ट चाहिए जैसा गाँव में बनता है, घरों में बनता है, तो वो इस स्टेप को कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। हम भले ही चीज़ थोड़ी खाएँ लेकिन हम जो उसका पर्टिकुलर टेस्ट होता है हम उसी के साथ खाते हैं। तो भले ही दो चम्मच खाओ लेकिन तसल्ली से जायकेदार चीज खाओ। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्रीम डाल के इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। पिंच ऑफ मैंने इसके अंदर डाल दिया है इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए काजू और बादाम वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप चाहें तो फ्राई करके शुरू में भी डाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से डाल दें, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। और बस आपको इसको पका लेना है जब तक इसकी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी आपको ना मिल जाए। तो यहाँ पर जो खीर है हमारी वो बिल्कुल डन हो चुकी है। तो चलिए अब इधर जो है वो सब्जी को देख लेते हैं कि वो कैसी हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये गल चुकी है। और हस्बैंड का आज मन था कि मम्मी की जैसी सब्जी बनाओ क्योंकि ये बहुत मशी सी बनती है। जिन लोगों को खड़ी खड़ी आलू गोभी की सब्जी पसंद है वो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें शेयर की हुई है। ये वाली जो सब्जी है ये पर्टिकुलर है, कुछ लोगों को पसंद होती है क्योंकि ये काफ़ी मशी सी बनती है। गोभी ऑलमोस्ट इसके अंदर घुल ही जाती है लेकिन इसका भी जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और बाद में ढेर सारा मैंने हरा धनिया इसमें बारीक चॉप करके डाल दिया है। और जब आप कुकर इसका ऑन लाइक ओपन करेंगे, इसकी लिड निकालेंगे, तो इसमें नीचे थोड़ा सा पानी होगा, तो थोड़ी देर इसकी जो हीट है वो ऑन कर दें तो वो पानी जो है वो सूख जाएगा। और साथ ही आप धीरे धीरे सब्जी को चलाते रहें तो जो गोभी है वो बिल्कुल अच्छे से टूट जाएगी और ये मशी से इतना अच्छा आलू गोभी कीमा टाइप बन के तैयार होता है ना, और ये बहुत टेस्टी लगता है लाइक पूरियों के साथ, तो इट इज़ ऑसम। तो सब्जी तैयार हो गई है, खीर तैयार हो गई है और यहाँ पर अब मैं पूरियाँ उतार रही हूँ। पूरियाँ जो है बिल्कुल प्लेन है, नमक और अजवाइन डाल के आटा गूंथ लिया था और बस उसकी पेड़ियाँ बनाकर अब यहाँ पर पूरियाँ उतार रही हूँ। और सरसों का तेल जो है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने एक पूरी डालकर देखी कि ऑयल हुआ नहीं हुआ, तो अभी ऑयल जो था वो ठीक से हुआ नहीं था, तो मैंने जो है तब तक कुछ पूरियां जो थी वो बेल कर तैयार कर ली हैं। और बस अब यहाँ पर तेल हमारा प्रॉपरली जो है वो गर्म हो चुका है और फटाफट अब हम यहाँ पर पूरियां जो है वो उतार कर तैयार कर लेंगे। और हमारी अवेसम सी ऑसम सी नॉट अवेसम, फिर कमेंट आता है दीपिका इसका ये प्रोनाउंसिएशन नहीं ये होता है। तो भावनाओं को समझ जाते हैं आई नो लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा कमियाँ निकालने की आदत होती है। कोई बात नहीं, चलिए पूरियां उतारते हैं यहाँ पर। पूरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं और चलिए अब दही बड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े थे उनको मैंने हल्के से गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था 2 मिनट पहले ही, और बस अब मैं इनको स्क्वीज़ करके निकाल रही हूँ। तो आई नो आप लोगों को विकास चाट भंडार की चाट जो है वो बहुत पसंद आई थी उस दिन जब मैंने टिक्की वाली शेयर की थी, और तो आज जो है आप दीपिका के चाट रेस्टोरेंट से ले लीजिए ज़रा कैम्प और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो दही बड़े जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं बोल में, लाइक बड़े निकाल लिए, उसके ऊपर मैंने दही डाल दी है। दही में थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया था। इसके बाद ये जो इमली की चटनी आती है रेडीमेड वो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ड्रिजल कर दी है। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसके ऊपर रेड चिली पाउडर, साथ ही इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला। आप चाहें तो घर का बना चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो मैंने आपको रायता मसाला बताया था वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा भुना जीरा डाल दें इसके ऊपर और बिल्कुल लास्ट में आप इसके ऊपर डाल दें ग्रीन चटनी। और इस ग्रीन चटनी की रेसिपी जो है वो मील प्लान पार्ट 2 में और पार्ट 3 शायद उनमें मैंने शेयर की है। तो ये वो वाली है और हमारे जो दही बड़े हैं
वो बन के तैयार है। साथ ही यहाँ पर हमारी बहुत ही सुपर टेस्टी थाली, वेज थाली बन के तैयार है। तो यहाँ पर है ये मशी सी आलू गोभी कीमा जो बहुत टेस्टी बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, भले ही स्मॉल बैच में तैयार करें। और साथ ही ये सूजी की खीर, दही बड़े और इसके साथ जाएगा पापड़ और मावा मोदक। इसकी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूँगी और साथ में ये अजवाइन वाली पूरी। खाना वगैरह सब कुछ बन गया है और बस अब रैप अप टाइम, खाना खाएंगे। फर्स्ट मैं जाऊंगी चेंज करूंगी, गर्मी लग रही है अब मुझे बहुत ज़्यादा काम करके ना। और ये खिला रहे हैं अद्वी को, मैं जाती हूँ चेंज करने, फिर हम दोनों भी खा लेंगे क्योंकि अद्वी जल्दी खाएगी। हमारा तो ये है कि हम तो लेट भी खा लें, हम तो लेट से सोते हैं, बट उसका रहता है जल्दी तो वो खाएगी। एक्चुअली आज का जो प्लान था ना, फाइनल प्लान जो था, वो पूरा चौपट हो गया। रीज़न अगेन एवरीवेयर लाइक वायरस। तो हम लोगों को मंदिर में जाना था होलिका दहन देखने के लिए, लेकिन क्योंकि जो है सोशल गैदरिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो रही है कि आप लोग कहीं इस तरह से सोशल जो है वो गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। लाइक आप अपने घर पर किसी को बुला लें, बट इस तरह से जो सोशल प्लेस है लाइक मंदिर है तो वो गैदरिंग्स वगैरह बंद है। तो मंदिर का जो प्लान था वो सारा कैंसिल हो गया, तो कोई होलिका दहन वगैरह नहीं हुआ है, तो रह गया वो भी। बाकी घर से आ गई हैं फ़ोटोज़ वगैरह होलिका दहन की, वीडियो एडिट करूँगी तो मैं उसमें डाल दूँगी। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड। और मुझे वही अगेन सरसों का तेल जो है वो चढ़ रहा है आँखों में, तो मैं जाती हूँ पहले चेंज करती हूँ, फिर तसल्ली से बैठ के खाना खाते हैं। और आपसे मिलती हूँ मैं कल एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। और अगर ये वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ बैकग्राउंड का जो नॉइज़ आ रहा है उसको अवॉइड करें क्योंकि टीवी चल रहा है। तो आप लोगों की होली जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मंगलमय हो, बहुत सेफली खेलें, ज़्यादा पानी से ना खेलें क्योंकि मौसम हर जगह जो है वो बेकार हो ही रहा है। तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें और गुब्बारे बिल्कुल ना मारें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। चौधरी साहब। हाँ जी। चौधराइन कैसी लग रही है? चौकी लग रही। चौकी मस्त। मस्त नहीं, चौकी लग रही है। चौकी और कुछ और क्या टिपिकल वर्ड क्या हुआ है हरियाणा का, हमारा लैंग्वेज का? चौकी सुथरी। सुथरी सुथरी लग रही, सुथरी। जब मेरी शादी हुई थी ना तो जो मुंह दिखाई होती ना अगले दिन दिखावा, तो उस दिन जब देखने आते तो बहुत तो चौकी सुथरी। सुथरी क्या मतलब हमारे यहाँ क्या साफ सुथरा ऐसे बोलते हैं ना, पर इंसानों को सुथरा नहीं बोलते। बहुत तो चौकी सुथरी।